हे गाइस, दिस इज अखिल चौधरी। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करने वाले होंगे कि कौन से ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स हैं फूड इंडस्ट्री के रिलेटेड, जो कि आने वाले टाइम पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड करने वाले हैं, जिसका आपको ट्रेंड आने वाले दिनों में दिखने वाला है। तो बने रहिए गाइस इसी वीडियो के साथ। जिससे पहले गाइस, हमारा पहला आता है कि न्यूट्रासिटिकल फूड। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उन्हें सबको पता होगा, मैं कितनी बार आपको बताता रहता था कि न्यूट्रासिटिकल फूड आने वाले टाइम पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड करने वाला है। तो वैसे ही अभी न्यूट्रासिटिकल फूड का जो चलन है, जो ट्रेंड है, जो फूड इंडस्ट्रीज है, वो काफी आगे बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है गाइस? नॉर्मली न्यूट्रासिटिकल फूड्स होते क्या है, मैं सिंपल कुछ एक दो लाइन में आपको बताता हूँ। न्यूट्रासिटिकल से आप क्या समझते हैं? न्यूट्रिएंट्स और फूड। जो फूड आपको न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह प्रोवाइड करे, आपकी हेल्थ को सुधारे और आपको अच्छी तरह इम्यून रखे, उसे हम न्यूट्रासिटिकल फूड कहते हैं। ये फूड, ये दोस्तों, ये वो फूड होते हैं जिसमें काफी तरह की फोर्टिफिकेशन करी होती है, जिसमें विटामिन कम होते हैं, वो विटामिन डाले होते हैं, मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन और मिनरल्स ऐड करके आपको एक प्रोडक्ट दिया जाता है जिसका नाम रखा है न्यूट्रिशनल फूड। नहीं तो गाइस, दूसरा आता है हमारा फूड लाइक होम। तो गाइस, जैसे आपको पता ही होगा कि आने वाले टाइम पे लोग कोशिश कर रहे हैं कि फूड जो घर जैसा मिले बाहर जाकर, मतलब कि आप मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे, जो हॉस्टल के हैं, जो पीजी के हैं, वो सारा दिन बाहर नहीं खा सकते, उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी प्लेसेस निकालनी पड़ती है जो जहाँ जाके उन्हें थोड़ा फील हो गया हम घर जैसा खाना खा रहे हैं। तो भाई, वैसे ही एक ऐसा मॉडर्न आगे आपको दिखने वाला है, टाइम आने वाला है, जहाँ पे आपको फूड मिलेगा जो कि घर की तरह होगा, बिल्कुल सेफ। COVID-19 के दौरान फूड की सेफ्टी लेनी होती है, वैसा ही फूड आपको आसपास अपने दिखने वाला है, फूड लाइक होम। तो आप इसकी तरह भी कुछ दे सकते हो, मुझे आने वाले टाइम पे बहुत ट्रेंड करने वाला है। तो गाइस, तीसरा आता है हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा प्लांट बेस्ड प्रोटीन 2019 से देखता आ रहा हूँ मैं, 2019, 2020, 2021, 2022 पे इतनी रिसर्चेज हो रही है, इस पर इतनी रिसर्चेज हो रही है, मतलब कि क्या ही कहने, मतलब काफ़ी कुछ जगह पे इसका जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च भी हो चुके हैं, पर लेकिन आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल कंज्यूमर को थोड़ा एक्सेप्ट करना अभी, मतलब कि उनकी कम्युनिकेशन ऐसी हो नहीं पाई उन प्रोडक्ट की कि हम नॉर्मली अपने स्टोर्स में जाके देख सकें। और अभी भी रिसर्च कंटिन्यूसली चली जा रही है और ऐसा प्रोडक्ट निकाल के लेके आ रहे हैं जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो और मीट रिप्लेसमेंट। तो गाइस, अगला आता है हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। तो गाइस, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि खाना बनाने के दौरान इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सॉसेजेस हो गया, कट वेजिटेबल्स हो गए। गाइस देखो, कट वेजिटेबल का ट्रेंड अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। रेडी टू ईट आपने सुना ही होगा, और कट वेजिटेबल का ट्रेंड आपको जैसे कि बड़े बड़े शहरों, जैसे कि मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चलन दिखने वाला है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास टाइम कम होता है, उन्हें रेडी टू ईट खाने में थोड़ा संकोच करते हैं, एज कम्पेयर टू अगर कट वेजिटेबल्स मिल जाए। तो अगर कट वेजिटेबल होगी, वो जल्दी जाएंगे किचन में, कट वेजिटेबल का इस्तेमाल करेंगे, बना के कुक करके खा लेंगे। तो इसका भी आने वाले टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड आपको बढ़ने वाला दिखने वाला है। तो गाइस, इसके बाद आता है हमारा आयुर्वेदा फूड। COVID-19 से आपको सभी को पता अपने घर पे करा क्या है, काढ़े पिए हैं, गोल्डन मिल्क पड़ा है, पिया है। भाई सबने, जब मैं डेली न्यूज़ कवर करता था फूड के रिलेटेड, तो आपने सुना होगा कि जो डेयरी, मदर डेयरी है, जो कैडबरी है, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें उनका टर्मरिक का उपयोग हो। कोई फूड इंडस्ट्री थी, वो अपना कुछ प्रोडक्ट निकाल रही थी, गोल्डन मिल्क निकालते थे, स्वीटन गोल्डन मिल्क, कोई आइसक्रीम जो कि टर्मरिक से ज़्यादा फोर्टिफाइड होती थी, ऐसे प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा मार्केट में आपको दिखने वाले हैं। अगर कोई भी मेरा भाई बंधु आयुर्वेद के रिलेटेड स्टार्टअप करना चाहता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है आने वाले टाइम पे। तो कोशिश करिए गाइस, इसकी तरफ भी थोड़ा रिसर्चेस करिए गाइस। जो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, मैंने खुद रिसर्च करी है, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठ के लेक्चर्स होने हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह से, वहाँ से मैंने उठा के ये जो मेनली जो मुझे लगे कि हाँ दिस इज़ द वन जो मुझे आपको बताने चाहिए, तो मैंने वहाँ से कलेक्ट करके आपको मैंने बताया। तो गाइस, इसके अगला आता है हमारा फूड इक्विपमेंट। जी हाँ दोस्तों, आने वाले टाइम पे फूड इंडस्ट्री का चलन बहुत बढ़ने वाला है। तो अभी से ही मैं कहना चाहता हूँ आपको कि फूड इक्विपमेंट जो भी बिजनेस करना चाहता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि फूड इक्विपमेंट आने वाले टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड करेगा। क्यों करेगा? इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा खोलेगी और उन्हें ऐसे इक्विपमेंट चाहिए होंगे जो कि लो वैल्यू पे, मतलब कि कम पैसों में ज़्यादा काम कर सके, मतलब कि हाई शेल्फ लाइफ उन मशीनरीज की, क्योंकि एक टाइम पे आगे मशीनरीज भी खराब होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब आने वाले टाइम पे ऐसा इनोवेशन होएगी फूड इक्विपमेंट में जो कि कम पैसों पे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सके जो भी मैन्युफैक्चरर्स को। तो गाइस, यही थी मेरी कुछ अपडेट्स। अगर आपको गाइस पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और गाइस नीचे कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे जरूर बताइएगा। तो गाइस, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन पे, मैं बहुत ज़्यादा गाइस मैं एक्टिव रहता हूँ, आप लिंक्डइन पे आइए, मेरे साथ कनेक्ट होइए, और नीचे इंस्टाग्राम को भी लिंक दे रखा होगा, उसे भी आप फॉलो कर लीजिए। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।